नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि राशन कार्ड विभाग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि यदि आपकी सालाना इनकम 1,80,000 रुपए है या इससे भी कम, वेरीफाई आपकी परिवार पहचान पत्र में है, तो आपका बीपीएल कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। उसके लिए कहीं भी आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। इनकम वेरीफाई होने के 3 महीने बाद ही आपका ऑटोमेटिक तरीके से बीपीएल राशन कार्ड है जो जनरेट कर दिया जाएगा, अर्थात आपका राशन कार्ड बना दिया जाएगा। 3 महीने का आपके पास समय होगा। यदि आपकी सालाना इनकम अब भी 1,80,000 रुपए जो कि वेरीफाई है परिवार पहचान पत्र में, तो आप अपना राशन कार्ड एक बार फिर से बनवा सकते हैं। लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। तो ये हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनका राशन कार्ड पहली जो 2 लिस्ट आई थी उसमें नहीं बनाया गया था। तो अब आप अपना राशन कार्ड आसानी से बनवा सकेंगे, क्योंकि आपका ऑटोमेटिक तरीके से राशन लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपकी जो सालाना इनकम है वो परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपए या इससे कम वेरीफाई होना जरूरी है। इसके साथ ही आपको बड़ी अपडेट से अवगत करा दें कि जिन भाइयों का राशन कार्ड काट लिया गया था, जी दोस्तों, हरियाणा में लगभग 9 लाख परिवार ऐसे थे जिनका राशन कार्ड काट लिया गया था। उनमें कुछ लोग पात्र भी थे जिनकी सालाना इनकम भी कम थी और उनके पास जमीन भी कम थी, अर्थात वो राशन कार्ड के लिए बिल्कुल पात्र व्यक्ति थे। तो उनका राशन कार्ड भी काट लिया गया था। अब उनका राशन कार्ड भी दोबारा से बनाया गया है, क्योंकि राशन कार्ड की नई लिस्ट जारी की गई है, उसमें आप अपना नाम देखकर अपना राशन कार्ड निकलवा सकते हैं। जहां दोस्तों, आपको अपना नाम चेक करवाना होगा, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आप अपना राशन कार्ड निकलवा सकेंगे। तो ये थी हमारी तरफ से हरियाणा के बीपीएल परिवारों के लिए अहम जानकारी। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।